एक्टिव न्यूज चैनल। खबरें वही जो होती हैं सच और असरदार। दोनों शहरों की तमाम हलचल पर रखे बिल्कुल नजदीकी नजर। दुनिया भर की खबरें आप तक पहुंचाए। एक्टिव न्यूज चैनल। खबरें चाहे पॉलिटिक्स की दुनिया की हो या फिर खेलकूद के मैदान से। जानिए अपने फेवरेट बॉलीवुड कलाकार और एंटरटेनमेंट्स की तमाम खबरें। एक्टिव न्यूज चैनल। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एडिटर मोहम्मद इम्तियाज अली। फॉर मोर डिटेल्स ऑन एडवर्टाइजमेंट ऑन दिस चैनल प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक्टिव न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। संक्रांति त्यौहार के मौके पर शहर में पतंगों, मांझों और चरख की खरीद व फरोख तेज़ी से जारी है। इस त्यौहार को फसल काटने का त्यौहार भी कहा जाता है। एक्टिव न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद शाह से बात करते हुए पतंग साजी करने वाली मोहतरमा नाजरीन बेगम एक ज़ईफ़ खातून हैं, जिन्होंने कहा है कि ये काम 7 साल की उम्र से कर रहे हैं या खुदपुरा से ताल्लुक़ रखते हैं। अपनी बेटा बहू के हमरा मुख्तलिफ अकसाम के पतंग साजी का काम अंजाम दे रहे हैं। अब फिरोज खान बोल रहा हूँ भाई, मैं ओल्ड सिटी याकूतपुरा में मेरा पतंगों का कारखाना है। मेरे पास 4 कारीगर काम करते हैं और मैं आधे की पौंड की तख्ते की चद्दर पतंग बनाता हूँ। एक कलम, दो आँखी, चांद तारा, हर डिज़ाइन की पतंग तैयार करते हैं और हम लोग 6 महीने पहले जनवरी के लिए काम की तैयारी करते हैं, 3 संक्रांति के लिए। और हमारे कुछ पूरा मार्केट से माल लाना पड़ता है, काड़ी लाना पड़ता पतंग के लिए, पेपर लाना पड़ता हमारे को, जैसा कि पुराना पुल से हमारे को काड़ी लेना पड़ता, धूलपेट से काड़ी लेते, गुलदा 4 मीनार से पेपर लेना पड़ता, उसको फिर हम लाकर असेंबल करते। उसके बाद में पूरी पतंग तैयार होने के बाद में हम यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटरों को शेयर करते पूरा, जैसा कि मशीराबाद, 4 मीनार, गुलदा रोज, पुराना पुल, धूलपेट, हुसैनी आलम, जैसा कि हर तरीके से हमारे को जैसा जैसा ऑर्डर रहता हर जगह पतंग के लिए सेल करते हैं। कि हम दरख्वास्त यही है कि इस फेस्टिवल को हम ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़ाना चाह रहे हैं और अच्छे से करने का सोच रहे हैं। कि इसके लिए यही दरख्वास्त है कि अभी हमारा जैसा कि हमारे कांग्रेस हुकूमत आ चुकी है, जैसा कि TRS हुकूमत अभी हमारी फिर से आ चुकी है, तो हमारी यही अपील दरख्वास्त है कि हम लोगों के बारे में कुछ सोचे, कुछ हम लोगों के बारे में करे, ताकि हम लोग आगे बढ़े और अच्छे से हम आगे बढ़े, हमारा कारोबार बढ़े, हम और कुछ अच्छे से कर सके। हुकूमत से अपील है कि हमारे लिए कुछ करे, हेल्प करे। ये फेस्टिवल में कितने पतंग बेचते थे? कम से कम आप फेस्टिवल के हिसाब में पकड़े तो हमारे कम से कम 6 महीने से पहले तो भी एक
ढाई से तीन लाख पतंग बेचना पड़ता, ढाई से तीन लाख पतंग का रहता। मेरा नाम मोहम्मद जाकिर है और मैं यहाँ पर अगले 16 साल से दुकान लगा रहा हूँ। और हमारे पास यहाँ पर हर चीज़ की पतंग मिलेंगी आपको, चरख मिलेगा, हर वो चीज़ मिलेंगी। और जो है सो तंगूस का मांझा तो बैंड है, उसकी वराइट में अपने देसी मांझा यहाँ का हैदराबादी मांझा मिलेगा, और जो है सो बरेली का मांझा मिलेगा। और पतंग में हर वराइटी मिलेंगी आपको, पतंग में जो है सो आपको हर फिल्म स्टार और जो है सो पॉलिटिक्स, हर किसी कार्टून्स, हर जगह हर तरह की पतंग मिलेंगी आपको। और जो है सो आपके लिए मोदी साहब की पतंग हमारे पास है, मगर मोदी साहब की पतंग जो है कस्टमर नहीं चाहिए बोल रही, कौन सी भी पतंग मोदी साहब की दे देगी कस्टमर बोल रही कि भाई मोदी साहब नहीं चाहिए, राहुल साहब चाहिए बोल रही। राहुल साहब का हम थोड़ा स्टॉक मंगाए थे, अब थोड़ा और है हमारे पास राहुल साहब का स्टॉक, मगर राहुल साहब का स्टॉक जो है ज़्यादा चल रहा है। और केसीआर साहब का तो पूछो ही नको आप, स्टॉक हम थोड़ा मंगाए थे, केसीआर साहब का स्टॉक ही ख़त्म हो चुका है हमारे पास। कि लोग आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, केसीआर साहब का, केसीआर साहब की पतंग दियो बोल रहे हैं, हर कोई आ रहा है, केसीआर साहब की पतंग, असद साहब की पतंग, अकबर साहब की पतंग, जो आ रहा वही पतंग दियो बोल रहा, मगर हमारे पास वो पतंग अभी ख़त्म हो चुकी है। हमारे पास जो है सो पतंग अब है सिर्फ प्रिंट की और जो है सो पर्नी की, जो अलग अलग वराइटियाँ यहाँ की देसी पेपर की, हर वराइटी की पतंग है, चरख हर चीज़ मिलेंगी। और जो है सो हमारे पास जो है सो मांझा मिलेगा बरेली का, और जो है सो हम तेलंगाना गवर्नमेंट का बहुत ही दिल से ताहे दिल से शुक्रगुजार है कि हमारे को हर साल की तरह इस साल भी जो है हमारे लिए स्टॉल का जो है सो इंतज़ाम करें यहाँ पर। और अकबर साहब, असद साहब का भी हम बहुत ही शुक्रगुजार है कि जो है सो हमारे लिए यहाँ पर स्टॉल की जो है सो इजाज़त हमारे को मिली है हर साल की तरह इस साल भी। और हम ये न्यूज़ चैनल्स का भी बहुत ही ताहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो हर साल की तरह इस साल भी हमारे लिए ये वीडियो बनाते हैं। शुक्रिया।